स्काई न्यूज पंजाब देख रहे हैं आप, मैं सुमन कश्यप और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम भविष्यवाणी में। आपको बताएंगे कि आज का दिन यानी कि मंगलवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, किन राशियों को आज अच्छे अवसर मिलेंगे, किन राशियों को आज सावधान रहना होगा, व्यापार में किन राशियों को आज लाभ होगा, किन राशियों को हानि होगी और किन राशियों को आज व्यय करने से बचना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपके किसी मित्र से आज आपका किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप बिजनेस के किसी खास डील को फाइनल करेंगे उसमें आप अपने विरोधियों से नहीं पूछेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी गलती के लिए आपको दंड मिल सकता है। आप भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। वृष राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी गलतियों को अनदेखा ना करें, नहीं तो उन्हें बढ़ावा मिलेगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामला आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है तो उसमें आप अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। व्यवसाय में आज आपकी सोच अच्छी रहेगी। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आपका कोई काम आपके लिए सिरदर्द बन सकता है जिसे आप पूरा अवश्य करेंगे। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मनोरंजन के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में लोगों को आज सफलता मिलेगी और आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। भाई बहनों से आपकी चल रही अनबन भी दूर होगी। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। साझेदारी के काम में आप पूरी रुचि दिखाएंगे। आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की प्लानिंग कर सकते हैं जिसमें आप मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं जिन्हें आप जरूर पूरा करें। कर्क राशि, आज का दिन आपके अंदर परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी और आप अपने कामों में विनम्रता से आगे बढ़ें, नहीं तो समस्या होगी। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे, लेकिन आप किसी बात को लेकर मन में लालच ना करें, नहीं तो आपका कोई नुकसान करा सकती है। किसी कानूनी मामले में आपको अपनी आंख और कान खुले रखकर आगे बढ़ना होगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। संतान से आपको किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और साख सम्मान में वृद्धि होगी। आपको किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने साथी की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। जो लोग प्रेम विवाह की तैयारी कर रहे हैं वो साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी माताजी से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए दान धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों में फोकस बनाए रखना होगा और आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। कामकाज को लेकर अगर आप परेशान चल रहे थे तो आपकी वो समस्या दूर होगी। घर में सामंजस्य बना रहेगा। आपको विभिन्न कार्यों में निवेश करना अच्छा रहेगा। आप लेन देन के मामले में सावधानी बरतें, नहीं तो समस्या हो सकती है। घर परिवार में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए अध्ययन और अध्यात्म के कार्य में अच्छा रहेगा। आप अपने कामों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, लेकिन बिजनेस कर रहे लोगों ने साझेदारी से काम ना लिया तो उनको नुकसान हो सकता है। आप अपने कामों पर पूरा पूरा ध्यान लगाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको लंबे समय से रुका हुआ जो धन था वो आज प्राप्त होगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन आपकी किसी इच्छा की पूर्ति ना होने से आपके मन में निराशा जो है वो बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ आनंद भरे पल व्यतीत करेंगे तो आर्थिक विषयों को गति मिलेगी। आपके मन में अगर कुछ शंकाएं चल रही थी तो आप उन्हें दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आपको किसी जरूरी मुद्दे में वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करके ही कोई निर्णय लेना बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपकी कहासुनी हो सकती है, इसलिए ऐसे मामले में आप लेन देन की बात बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको गलत समझा जा सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। बिजनेस के किसी काम को लेकर आप अकस्मात यात्रा पर जा सकते हैं और आपकी दीर्घकालीन योजनाएं सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगी। अपने किसी करीबी से आपको अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा जिससे आपका मानसिक बोझ भी थोड़ा कम होगा। अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें और उससे पीछे ना हटें। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा।
मकर राशि, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आपको अपने कामों में संवेदनशील रहना होगा। कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, लेकिन आपके विरोधी उसमें रोड़ा अटका सकते हैं। मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। किसी आर्थिक मामले में आपको अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप अपनी वाणी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें, नहीं तो आप किसी को कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो सकती है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और व्यापार के कार्यों में आपको गति मिलेगी। आपके नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि परिवार के सदस्यों को समस्या हो और आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने की पूरी कोशिश करें। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्य में हिस्सा लेने के लिए रहेगा। आप किसी से धन उधार लेने से बचे, नहीं तो आपको उसे उतार पाने में समस्या होगी। कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और आपकी पद प्रतिष्ठा जो है वो आज बढ़ेगी। काम को लेकर कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। किसी सरकारी काम में उसके नीति नियमों का पूरा पालन करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को समय रहते निपटाना होगा। व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलने वाला है।